ये लीजिए साहब आपका जूस। भैया आप मुझे एक गिलास जूस का दिला सकते हैं? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं भैया, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, ये धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कपड़े तो तुमने ढंग के पहने हुए हैं, अच्छे घर की लग रही हो, फिर भी ये भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल आज इस शहर में मैं किसी काम से आई थी और सुबह स्टेशन से मेरा सारा सामान, मेरा फोन सब चोरी हो गया। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करवाई पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भैया, बहुत भूख लग रही है, आप एक जूस दिलवा दीजिए। ऐसा है, दिन में 100 बार ये सब बहाने सुनता हूँ मैं, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा समझी, किसी और को बेवकूफ बनाना। भैया मैं बहाने नहीं मार रही हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे एक बार बोला समझ में नहीं आता, कोई जूस उस नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है भैया, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं बाद में आपको पैसे ऑनलाइन दे दूंगी। अरे कितने बहाने दोगी, कितना बेवकूफ बनाओगी, ये सब पैतरे मुझ पे नहीं चलेंगे समझी, जब बोला जूस नहीं दिला सकता नहीं दिला सकता, निकलो यहाँ से। और भैया आप भी कैसे लोगों को खड़ा कर लेते हो ठेले के सामने, भगाओ इसको यहाँ से। मैडम जी। भैया आप बताइए कौन सा जूस पिएंगी, मैं आपको देता हूँ। मैडम नहीं नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैडम मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, आप बताइए ना आप कौन सा जूस पिएंगी। जी भैया आप इतनी तेज धूप में पूरा दिन रेडी लगा के खड़े रहते हैं, मैं पैसे ना देकर आपका नुकसान नहीं कराना चाहती। जी मैडम हम इस कड़ी धूप में मेहनत तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं वो ऊपर वाला हमसे नाराज ना हो जाए और हमेशा हमारे साथ रहे। अब देखिए ना मैडम जी, अगर आपको प्यास लगी थी और अगर मैं आपको एक गिलास जूस पिला भी दूंगा तो इसमें क्या चला जाएगा, आखिर आप भी तो उसी ऊपर वाले का अंश है ना। भैया आप कितने अच्छे, आप बिना सोचे समझे निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब देखिए मैडम, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना किसी की मदद कर देता हूँ, अब ज़्यादा हो जाए तो मुझे भी हाथ ही जोड़ना पड़ता है। आप ऊपर वाले पर बहुत विश्वास करते हैं ना? जी बहुत विश्वास करता हूँ मैं उस पर, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जितनी भी किसी की भी मदद करता हूँ ना मैडम जी, उसके बदले में भगवान अपनी कृपा मुझ पर रखेंगे और मैं जो करता हूँ वो करता रहूँगा। और रही बात पैसे की, तो अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा। भैया आप जूस बनाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं जूस बना के रखता हूँ जी। भैया ये लीजिए 2000 रुपये। 2000 रुपये? लेकिन आप तो कह रही थी कि आपके पास पैसे नहीं है। भैया दरअसल मैं देखना चाहती थी कि आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो ऊपर वाले पर विश्वास रखकर लोगों की मदद करना चाहते हैं, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करते हैं और इस चक्कर में आपका नुकसान भी हो जाता होगा, फिर भी आप लोगों की मदद करने से कभी मना नहीं करते। और दूसरी तरफ कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, फिर भी वो लोगों की मदद नहीं करते। मैडम जी हम गरीब हैं, पैसे भले हमारे पास हो ना हो पर इंसानियत जरूर है। हाँ भैया इसलिए मैं ये पैसे आपको देना चाहती हूँ। लेकिन मैडम ये जूस का ग्लास तो सिर्फ 50 रुपये का है, मैं इसके बदले में इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। भैया ये पैसे जूस के लिए नहीं, ये पैसे मैं आपको आपकी अच्छाई आपकी इंसानियत के लिए दे रही, प्लीज मना मत कीजिएगा, रख लीजिए ये पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जूस लीजिए ना। थैंक यू भाई।